सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है? और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा? और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे इस ये पूरे देश में फैलता गया, इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए, तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितनी ज़्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं, तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरियंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है, तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के, जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो ज़रूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए, ये सारे के सारे कोरोना ही हैं सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे एक सिंपली जैसे बताते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ साइन ऐसा करते हैं, तो एक हो गया ये, अगर हम दोबारा अगर करेंगे तो हल्का सा चेंजिंग आ जाएगा, तो ऐसे करते जाएंगे तो हल्का हल्का चेंजिंग आते जाता है, यहां पे कहीं पे भी जाएंगे तो हल्का सा चेंजिंग आते जाएगा, तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजिंग बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उससे खतरा अलग हो जाता है। तो वैसे ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज आए हैं जो हमें खतरा पहुंचा देते हैं, तो जो कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले, उसके कई वेरिएंट निकले हैं, तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B.1.1.7, ये ब्रिटेन में पाया गया, एक था B.1.351, ये साउथ अफ्रीका में, P.1 ब्राज़ील में, ऐसे इंडिया में B.1.6.1.7.2 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B.1, P.1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है, इसकी एक अलग ब्रांच ही है, काफ़ी जटिल ये चीज़ होता है जेनेटिक कोड को डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया, किसी को ये नाम बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। अब B.1.1.7 बोलने से अच्छा वो कहता था कि ब्रिटेन वाला कोरोना है ये, अब भारत वाला क्या B.1.6.1.7.2, अब ये बोलने से ज़्यादा था वो कहता था इंडियन कोरोना है, भाई भारत वाला वेरिएंट है ब्राज़ील वाला। अब इन देशों को हो गया ऐतराज, अब हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास, WHO के जो चीफ है ट्रेडोस, इन्होंने के पास शिकायत किया गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614, तो इसे लोगों ने कहा G614 या तो कह दिया कोरोना। लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे दिखेगा इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राज़ील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो तो वही रहेगा B.1.1.7, और एक्चुअली ये पाया गया था ब्रिटेन में, UK में, तो लोगों को ये साइंटिफिक नाम बोलने से सहूलियत लगती थी, वो UK बोल देते थे। वैसे ही भारत में पाया गया जो B.1.6.1.7.2, अब इसको कोई इतना बोलेगा भारत वाला कोरोना, वो सीधा बोल देता था इंडियन वेरिएंट, इसलिए WHO ने इसके लिए ग्रीक वर्ड कहा, कहा कि जो वैज्ञानिक हैं वो आज भी इसी को बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस देश को डिनोट ना करके ग्रीक नाम से, अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरियंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरियंट, जो ब्राज़ील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कह दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था, एक था B.1.6.1.7.2, एक B.1.6.1.7.1, तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट, तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में
सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया, ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा। और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक। ससुर जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता और हम लोग खामखा में पिस जाते। इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जो परंपरा थी देश के ओरिजिन जहां से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में दो वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक छोटा डेल्टा खतरनाक है, उस पे से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है। इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज्यादा वैक्सीन ले सके ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना हुआ जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा, और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो ससुरा उसको यो दे देगा। अब वो सोच रुके ये सबसे तो आदमी बचा सकता है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घरे ही ठीक हो सके, हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सब कि एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो मचाई दिया। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकेंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था, उस समय हमारे यहाँ 414,000 केस देखे गए थे। सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है, ये सेकेंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकेंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे, यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा, और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव फोर्थ वेव भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है सेकेंड वेव ने, काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। दूसरा, अगर और भी देखेंगे, अगर 100 साल पहले जाइएगा तो जो स्पेनिश फ्लू था, स्पेनिश फ्लू में भी 3 वेव आए थे, और हम अप्रैल में भी बताए थे आपको एक वीडियो में कि किसी भी पेंडेमिक या महामारी का जो सेकेंड वेव होता है वही खतरनाक होता है। तो फर्स्ट वेव हम लोग झेल ले गए, मैक्सिमम 97,000 केस गया, सेकेंड वेव से भी हम लोग बहुत जल्दी उबर चुके हैं और बहुत थोड़ा 1 महीने में ये पूरी तरह डाउन हो जाएगा। थर्ड वेव, तो स्पेनिश फ्लू का भी सेकेंड वेव सबसे खतरनाक था,
फर्स्ट वेव से खतरनाक था सेकेंड वेव, सबसे कमजोर होता है थर्ड वेव। अब तक के जो इतिहास से हमें जानकारी है, जो सीखे हैं, तो उस हिसाब से भारत में भी थर्ड वेव से काफ़ी हद तक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब वैक्सीन का कहना है कि भाई बहुत कम वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह भी है, तो देखिए ये बात हकीकत है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए 6 कंपनियों ने करार कर लिया था मई के महीने में, तो उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ जुलाई से। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी अलग से सप्लाई लाइन, कुछ अलग से फैक्ट्रीज भी डाली थी, कई सारे कंपनीज ने फैक्ट्री डाली थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज जुलाई तक चालू हो जाएंगी। और जुलाई में अमूमन हम लोग वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोजेज, हमको हर तरह की अगर वैक्सीन मिला देंगे, स्पुतनिक हो गया भारत में और कोविशील्ड कोवैक्सीन, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी 2 हफ्ते तक वैक्सीन की किल्लत देखी जा सकती है, हालांकि कई जगह वैक्सीन की किल्लत है तो कई जगह वैक्सीन अवेलेबल है तो कोई लगा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी और एक अच्छे खासे अमाउंट को हम लोग थर्ड वेव से पहले ही वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। और अगर हम देखेंगे तो भारत में अभी 3 ही वैक्सीन लग रही है, और स्पुतनिक तो रसिया की है, इसमें दोनों डोज अलग अलग दवाइयों का है, एक ही का नहीं है, बाकी सब में एक ही है, गैप करके दूसरा लगा देना होता है। अभी काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन है लोगों को कि कितने दिन पर दूसरा डोज लगाया जाए, तो कोवैक्सीन है ये तो बहुत कम लोगों को लगा और ये 28 दिन के गैप पे लगा है, स्पुतनिक है 21 दिन के गैप पे लगेगी, लेकिन कोविशील्ड को लेके अभी भी विवाद है, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कहा था 28 दिन, फिर कहा 42 दिन, फिर कहा 56 दिन। लेकिन देखिए कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया। देखिए ये पूरी तरह से मतलब निराधार बातें हैं। कई देशों में यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 12 सप्ताह का, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि 8 सप्ताह का, WHO कह रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का गैप कीजिए। तो एक एवरेज निकाल के हम आपको बता रहे हैं, सप्ताह में लोगों का दिमागे काम नहीं करता है कि कितना दिन बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने कोविड शील्ड लगा रखी है, अमूमन आपको कोविड शील्ड ही लगा होगा, हम भी कोविड शील्ड ही लगाए हैं, हमको भी अब लगभग 35 दिन के आसपास हो गया लगाए हुए, तो कोविड शील्ड का अभी के समय में आप 80 दिन के आसपास में लगवा दीजिए, 80 दिन के एक दो दिन पहले भी हो सकता है, मतलब चलिए 80 से 90 दिन के बीच में आप लगा लीजिए। अब बाकी दिमाग मत लगाइए कितना सप्ताह कितना नहीं, जोड़ के 80 से 90 दिन अगर आप इतना दिन पे लगवाते हैं तो आप लगभग लगभग आपका 90% आपको मतलब सिक्योरिटी मिल जाती है, अप्रॉक्स 90%। और अगर आप 56 या 42 दिन पे लगवा लेते हैं तो वही आपका 65-70% आपकी इम्यूनिटी बनती है वहाँ पे, तो यही सही है 80 से 90 दिन। मिक्स डोज पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि मतलब पहला डोज कोई और दूसरा डोज कुछ और, जैसे पहला फाइजर लग जाए दूसरा मॉडर्ना लग जाए। अगर आप भारत में देखेंगे तो इसी तरह कि पहला मान के चलिए भारत बायोटेक का लग जाए कोवैक्सीन, दूसरा लग जाए कोविशील्ड। अब इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे, पहले कोवैक्सीन लगा के देखा जाएगा, बाद में कोविशील्ड। अब कुछ मरीज को क्या किया जाएगा, पहले कोविशील्ड लगाया जाएगा, बाद में कोवैक्सीन लगाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितनी इम्यूनिटी आ रही है कितना नहीं हो रहा, एक लंबा प्रोसेस चलेगा यहाँ पर।